कि कब रास्ता खुले। और अस्सलाम वालेकुम, तो क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। तो आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। अभी मैं नहा के निकला हुआ, अभी टाइम हुआ है 2:30 का। तो हमने जाना है गांव। ये रहा हमारा बैग, अब जल्दी जल्दी से करते हैं पैकिंग। मेरा नया सूट जो मैंने बनवाया था वाइट, और एक ये ब्लैक वाला, एक ये वाला, एक ये हो गया, ये ब्लैक वाला वास्कट भी लेके जाते हैं, और एक ये वाला शैम्पू, और ये टूथपेस्ट। और ये हमने यहाँ से निकलना है 4 या 4:30 बजे, ज़्यादा लेट हुआ तो 5 बजे। यहाँ से कोयटा 893.7 किलोमीटर है, M14 और N50। हमारा जो गांव है वो कोयटा सिटी नहीं है, हमारा गांव कोयटा से 86 किलोमीटर दूरी पे, तकरीबन 1.5 घंटा। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी गुलिस्तान की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी वीडियोज़ देख लो, तकरीबन 4-5 वीडियोज़ है गुलिस्तान की। तो खैर जी, अभी करते हैं जी अपनी पैकिंग। तो पैकिंग मैंने कर ली है, और इसके ऊपर मैंने वाइट प्लास्टिक भी चढ़ा दिया ये वाला, ताकि थोड़ी सेफ्टी रहे, समझ रहे हो ना। यहाँ पे हमारी चाय भी पहुँच गई है। तो अभी मैं अपने बाइक का पेट्रोल निकाल रहा हूँ, एक बोतल मैंने निकाल ली है, अभी दूसरी बोतल मैंने लगाई हुई है। दूसरी बोतल ये हाफ हो गया तकरीबन, क्योंकि पिछली बार जब मैं गाँव गया था तो मैंने बाइक इसी तरह खड़ा किया था, पेट्रोल मैंने नहीं निकाला था, तो वो सारा पेट्रोल उड़ गया। तो अभी मैंने उस्ताद को कॉल की है, उस्ताद कहता है कि अभी मैं G9 में हूँ और अभी आने वाला हूँ। पेट्रोल निकाल के मैं कपड़े चेंज करता हूँ, उसके बाद बारिश भी शुरू हो गई है। यही तो मज़ा है इस्लामाबाद का, गर्मी होती है उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। तो पेट्रोल हमारा ख़त्म हो गया टैंकी से, टैंकी हमारी सारी खाली हो गई है, वो पेट्रोल आना बंद हो गया। अभी इसको यहाँ से बंद करते और ये बोतल निकालते हैं। ये एक वो वाली बोतल हो गई है और एक ये हो गई है, ये यहाँ तक भर गया। तो गाड़ी वाले भाई आ गए, अभी रखते हैं सामान अंदर। ये हमारा सामान बहुत ज़्यादा है हमारा। अल्लाह हाफिज़ आई टू। अभी हम हैं M1 मोटरवे पे, पेट्रोल पंप पे, यहाँ पे पेट्रोल डलवाएंगे। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम है दराबन पे, रोबिया खान हाईवे। ये सामने होटल है, यहाँ पे फ्रेश भी होंगे और चाय वगैरह पियेंगे। अभी देखते हैं, कुछ खा लेते हैं खाना शाना, भूख तो बहुत सख्त लगी हुई है। ये सामने रोड, रोबिया खान हाईवे, और ये साथ होटल है। और मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, मौसम बहुत प्यारा है। फिर मेरे हाथ पे क्या बैठा हुआ, तो मैंने हाथ मुँह धो लिया, थोड़ा फ्रेश हो गया। तो टाइम हुआ है 9:37, DARABAN दराबन। इस पे हम सफ़र कर रहे हैं। घर में मैंने नाश्ता ठीक नहीं किया हुआ था, तो अभी मैंने ऑर्डर दिया दाल माश का, और साथ में 2 रोटियां, चाय मैं नहीं पीऊँगा। ये वाली चुंटियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये रहा हमारा दाल माश, और साथ में सलाद, और ये रोटियाँ।
अभी हम है पहाड़ों पे, लैंडस्लाइड हुई है, रोड बंद है। इसको बोलते हैं नासार घर। मुझे कज़न ने तकरीबन 1 बजे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे। अभी टाइम हुआ है तकरीबन 10 बजे मेरे ख्याल से, तो अभी तक ये खुला नहीं है अभी तक। तो कहा 1 बजे और कहा 10:50, अभी तक ये मेरे ख्याल से बस एक ही गाड़ी आ रही है, एक ही गाड़ी आ रही है और रश बहुत ज़्यादा है। पीछे भी रश है, ट्रक वगैरह खड़े हुए हैं, आगे गाड़ियाँ खड़ी हुई है, ट्रक भी है, ये सामने ट्रक और गाड़ियाँ वगैरह। अब ये गाड़ी वहाँ से आई है, लाइन ज़रा चेक करो कहाँ तक लाइन लगी हुई है, वो एंड तक लाइन लगी हुई है। इससे पीछे भी है, ये पहाड़ के पीछे भी लाइन लगी हुई है। इतने लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कब रास्ता खुले। और यहाँ पे सारे इंतजार पे खड़े हुए, कब रास्ता खुले और सारे चले जाए, बहुत रश बन गया। वो गाड़ियाँ खड़ी हुई और ये लोग बैठे हुए। लोग अपनी मदद आप काम कर रहे हैं, हुकूमत का कोई बंदा नहीं है। थोड़ा आगे आया है, इस विलेज का नाम है कवाल विलेज। यहाँ पे मज़े की ठंडी हवा चल रही है और सामने पहाड़ वगैरह चेक करो। सुभान अल्लाह, ठंडी हवा चल रही है। इधर जिस होटल में जाओ वॉशरूम फ्री है, अगर ये मरी या कोई और जगह होती है तो वो पैसे लेते हैं वॉशरूम के भी। तो गांव में पहुंच चुका हूँ, अभी मैं छत पे सोया हुआ हूँ। हम 6 बजे पहुंच गए थे, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं। तो खैर आज की वीडियो यहाँ तक थी, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।